राम राम दोस्तों, ओरेकल टॉक्स के एपिसोड 91 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की प्रेम कथा के बारे में। कैसे हुआ था धरती पर रहने वाले महर्षि और स्वर्ग पर रहने वाली अप्सरा का मिलन, और क्यों मेनका विश्वामित्र को छोड़कर स्वर्ग वापस लौट गई थी। हमेशा की तरह महर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। उनके आसपास जानवर घूम रहे थे और पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन उनके तप को भंग करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। महर्षि विश्वामित्र के तप की सूचना किसी ने देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र को जैसे ही पता चला कि महर्षि तप कर रहे हैं तो वो परेशान हो गए। देवराज इंद्र परेशान होते हुए सोचने लगे कि महर्षि के तप की वजह से कहीं उनका अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए। वह अपने तप से नए जग की रचना करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से देवराज इंद्र को चिंता सताने लगी कि अगर महर्षि विश्वामित्र इन सब में सफल हो गए तो वह समस्त ऋषियों के देवता बन जाएंगे। लेकिन महर्षि की तपस्या को भंग कैसे किया जाए, महर्षि तो अपनी तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र को भी एक योजना सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए मृत्युलोक पर भेजा जाए। फिर देवराज इंद्र को स्वर्ग की अप्सरा मेनका का ख्याल आया। उन्होंने उन्हें बुलाया और आदेश दिया कि उन्हें एक औरत का रूप लेकर मृत्युलोक में जाकर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी पड़ेगी। स्वर्ग की अप्सरा मेनका, जो कि स्वर्ग की सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर और सुरीली थी, वह महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। अब वह यह सोचने लगी कि महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को कैसे खंडित किया जाए, क्योंकि देवराज इंद्र ने आदेश दिया था, इसलिए वह इस कार्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ वह यह भी नहीं चाहती थी कि स्वर्ग में उनकी जो थाक है वह कम हो। मेनका ने विश्वामित्र का ध्यान अपनी ओर करने के लिए हर कोशिश करी। वह काफ़ी सुंदर थी, इसी का फायदा उठाकर वो कभी महर्षि की आँखों का केंद्र बनती या कभी हवा के झोंके के साथ वह अपने वस्त्रों को उड़ने देती ताकि महर्षि का ध्यान उस पर पड़े। लेकिन महर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या के कारण काफ़ी सख्त हो गए थे, उनके अंदर की कामाग्नि भी खत्म हो गई थी। परंतु मेनका के बार बार ऐसा करने के कुछ समय बाद ही महर्षि विश्वामित्र के अंदर कामाग्नि ने जन्म लिया और वह तपस्या को भूलकर मेनका की सुंदरता में खो गए। महर्षि की तपस्या भंग तो हो चुकी थी, परंतु मेनका उन्हें छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकती थी, क्योंकि महर्षि फिर से तप कर सकते थे। इसलिए मेनका को मृत्युलोक पर विश्वामित्र के साथ रुकना पड़ा और उनसे विवाह भी कर लिया, परंतु फिर भी मेनका के मन में स्वर्ग की चिंता थी। महर्षि के साथ मेनका ने कई वर्ष बिताए। उन्हीं वर्षों के दौरान उनकी एक पुत्री भी हुई। पुत्री के जन्म के कुछ ही दिन बाद वह स्वर्ग में वापस लौट गई। मेनका के जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने उस पुत्री को कंग ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। आगे चलकर यही पुत्री शकुंतला के नाम से जानी गई। इसी पुत्री का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भारत रखा गया था। इसी पुत्र के नाम पर भारत नाम ख्यात हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।